नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मुंबई और गुजरात के बीच में बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में अभी तक मैंने कवर किया है कि यहां पर कितना वायडक्ट का काम हो गया है, मतलब कि गर्डर कितने रख दिए गए हैं पियर्स के ऊपर। तो 50 किलोमीटर का मैंने आपको काम बताया, किस तरीके से हुआ वो आप समझ चुके थे मेरी वीडियोस में। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को यूज करा जा रहा है, कि यहाँ पर जो गर्डर है वो डिफरेंट है और दूसरे प्रोजेक्ट में जो गर्डर लगते हैं, तो उनको लेकर भी कैसे जाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट से सीधा उस साइट पर जहां पर इनको लगाया जाना है। सब कुछ आपको बहुत पसंद भी आया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितना काम वायडक्ट का हो चुका है, जो कि 50 किलोमीटर से आगे अब निकल चुका होगा। अगर आपको वो जानना है तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। आज आपको पता लगेगा महाराष्ट्र में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत ही कम अपडेट सामने आ रही थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा अच्छी अपडेट आप भी लेकर के आ गया हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL इस कंपनी के सुपरविजन में ये काम चल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में यह प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ में ही 508 किलोमीटर की टोटल लेंथ इसकी होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर 156 किलोमीटर का काम होगा और गुजरात के अंदर 352 किलोमीटर का काम होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इसके बाद हम गुजरात की बात करेंगे। महाराष्ट्र में 152 किलोमीटर का जो काम है, उसमें आप लोग जानते हैं कि पिछली सरकार की वजह से काफी देरी हुई थी लैंड एक्विजिशन में, और कोरोना वायरस के वजह से भी उस टाइम पर जो टेंडर थे उनको रद्द कर दिया गया था। बाद में इसके जो अलग अलग पैकेजेस हैं, बेसिकली इसके तीन पैकेजेस C1, C2, C3, इन तीनों के लिए ही टेंडर निकाले गए और अब इनको फुलफिल भी कर दिया गया है। और जिन जिन कंपनी को टेंडर मिल गया उनके बारे में बात करते हैं। C1 पैकेज जो है, इसके अंतर्गत आता है मुंबई का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन जो ये होगा। इसके लिए टेंडर नवंबर 2019 में निकाला गया था और फरवरी 2022 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा गैप रहा है, टाइम बर्बाद कितना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तैयार नहीं थी वहां की उस टाइम, और कोरोना वायरस भी बीच में आ गया था। के बाद री इन्वाइट किया गया टेंडर को जुलाई 2022 में, और इस टेंडर को जीत लिया था MEIL मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के जॉइंट वेंचर ने। तो इनको ये काम सौंप दिया गया। 5 साल की डेडलाइन दी गई है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हाई स्पीड रेल स्टेशन की मैं बात कर रहा था। अगला पैकेज है C2 पैकेज। इस C2 पैकेज का बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये पैकेज जो है ये एक ऐसे इलाके में आता है जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है इस प्रोजेक्ट के लिए। थाने और BKC के बीच में 21 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है C2 पैकेज के अंतर्गत। 7 किलोमीटर की अंडर सी टनल भी बनेगी इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में, जो कि एक अनोखी टनल कहलाएगी, जहां से बुलेट ट्रेन कितना तेजी से निकलेगी आप जानते ही हैं, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये बहुत अहम काम है और ये काम एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने साइन किया था और इनको ये काम मिल चुका है और काफी तेजी से इन लोगों ने भी अब काम इस पे शुरू कर दिया है। अगला पैकेज जो सबसे आखिरी पैकेज था, 135 किलोमीटर का ये पैकेज होने जा रहा था दोस्तों, और आखिरकार जुलाई 2023 में, अभी करंट इसी महीने में, लार्सन एंड टूब्रो ने ये प्रोजेक्ट जीत लिया है और 135.45 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट C3 पैकेज के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ही महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर अब पियर खड़े करने का काम कंप्लीट होगा और फिर धीरे धीरे लार्सन टूब्रो यहाँ पर वायडक्ट बनाने का काम भी शुरू कर देगी। तो इनके लिए भी लगभग 5 साल की डेडलाइन लगभग रखी गई है। गुजरात में अभी पार रिवर, पूर्णा रिवर, नर्मदा रिवर, सूरत स्टेशन, बिल्लीमोरा स्टेशन, इन सभी जगहों पर काम चल रहा है। और साथ में साबरमती, जो कि एंड पॉइंट है गुजरात के लिए, वहां पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन चार्ज अप कर दिया गया है, मतलब ऑपरेशनल हो गया है। 11 केवी का ये स्टेशन है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सीधा इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को चार्ज अप करेगी जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जुलाई 2023 में NHSRCL ने अभी एक वीडियो जारी करी है और उन्होंने दिखाया है किस तरीके से वायडक्ट का काम चल रहा है। तो वलसाड से शुरू करते हैं। गुजरात का काम यहाँ पे भी दिखा रहा है NHSRCL, और वलसाड से आगे नवसारी तक वायडक्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है आप लोगों के सामने। जितना भी ये वायडक्ट का काम है, ये नवसारी और वलसाड के बीच में है, ये ग्रीन पट्टी जिस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है रेट के ऊपर, ये समझिए आप देखते चले जा रहे हैं कि कैसे वलसाड और नवसारी के बीच में काम चल रहा है। चलिए अब बारी बारी से देखते हैं कहां पर कितना काम हुआ है। ये है पर रिवर और इसके ऊपर ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम नवसारी पहुंच चुके हैं और नवसारी के आगे पियर वर्क चल रहा है और अंगा रिवर के ऊपर। ये रहा बिल्लीमोरा स्टेशन बुलेट ट्रेन का, इस पर वर्क इन प्रोग्रेस है।
अंबिका रिवर के ऊपर भी कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। वायडक्ट का काम यहाँ पे भी तेजी से हो रहा है। यह है पूर्णा रिवर और इसके ऊपर भी वायडक्ट का काम पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। यह है मिंढोला रिवर, इसके ऊपर भी वायडक्ट का काम कंप्लीट हो रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं सूरत स्टेशन पर। यहां पर भी बिल्डिंग का काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। और यह है तापी रिवर, काफी बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं पियर अभी नहीं यहाँ पे बने हैं। भारूच हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नर्मदा रिवर के ऊपर भी काफी बड़ा ब्रिज का काम चल रहा है। यहाँ पर पियर अभी नहीं बने हैं। तो वडोदरा में हमारी अब एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वायडक्ट का काम यहाँ पे भी हो चुका है और आगे भी चल रहा है। इसका मतलब एंटायर रूट में कई छोटी छोटी जगहों पर वायडक्ट कंप्लीट किया जा रहा है। और इसको अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये 60 किलोमीटर से ज़्यादा का वायडक्ट का काम अब कंप्लीट हो गया होगा। और अब हम आनंद पहुंचने वाले हैं और यहां पर माही रिवर के ऊपर वेल फाउंडेशन का काम चल रहा है। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कास्टिंग यार्ड आप देख पा रहे होंगे बना हुआ। यहां पर हमारे नए जमाने के बॉक्स टाइप फुल स्पैन गर्डर बनाए जा रहे हैं जो कि रखे जाएंगे इन पियर्स के ऊपर। हमारी एंट्री अब अहमदाबाद में हो चुकी है और यहाँ पर भी आप वायडक्ट का काम होता हुआ देख पा रहे होंगे। और ये रहा अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन स्टेशन, इस पर अभी बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी बचा हुआ है। ये रहा एंड पॉइंट साबरमती मल्टी मॉडल टर्मिनल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार होती हुई दिख रही है और कलरिंग का काम भी हो गया है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।